देख रहे हैं केवल सच। अब उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर का डर समाप्त होता जा रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला के रुद्रपुर थाने के लेहरा टोला गांव में जो डूबे परिवार का नरसंहार हुआ यह नहीं होता, क्योंकि बुलडोजर बहुत तेजी से चल रहा है उत्तर प्रदेश में। घटना होने के तुरंत बाद बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी बुलडोजर का दौर का भय नहीं बढ़ा है, बल्कि अपराधी भी अब बुलडोजर की तरह भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब एक एक ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को ही मार डालते हैं। इसके बाद भी अगर भय का वातावरण अपराधियों में नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है, तो बाबा ये गेरुआ वस्त्र धारण करके बुलडोजर चलाने का जो राजनीतिकरण है, इससे अपराध में कमी नहीं आएगा, क्योंकि बुलडोजर का रफ्तार जिस तेजी से चल रहा था और आप की सरकार दोबारा बनी उत्तर प्रदेश में, लेकिन भय नहीं है अपराधियों में, क्योंकि आज भी पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ साठ गांठ करके अपना काम करती है, अपना वसूली का धंधा को कायम रखती है। क्योंकि जिस तरीके से सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की हत्या हुई, यह मामला कोई एक दिन का नहीं था, बल्कि 2014 से ही यह मामला चल रहा था कि जमीन विवाद को लेकर। प्रेम यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और उनका काम ही है संपत्ति यानी कि जमीन को अपने नाम कराना, कब्जा करना। वो जमीन कब्जा करने के मामले में एक दो नहीं कई मामले ऐसे दर्ज हैं, लेकिन प्रेम यादव का पकड़ इस प्रकार से है राजनीतिक दृष्टिकोण से, पुलिस के दृष्टिकोण से, जो रुद्रपुर थाना है, यह कहा जा रहा है, इस बात की चर्चा जोरों पर है कि रुद्रपुर थाने में प्रेम यादव का अपना एक पकड़ है, एक अपना एक लाइजनिंग है, और यही कारण है कि मामला 2014 से थाने में रहने के बाद भी आज तक किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई, अन्यथा सत्य प्रकाश दुबे की हत्या और उनके पूरे परिवार का नरसंहार न होता और प्रेम यादव भी शायद बच जाता। मामला सिर्फ रुद्रपुर थाने में ही नहीं बल्कि मामला न्यायालय में भी लंबित है इसके बाद भी, क्योंकि प्रेम यादव जमीन कब्जा करना चाहते हैं किसी तरीके से। ये जानते हैं कि पूरे गांव में दुबे परिवार अकेला है और कोई भी ब्राह्मण समाज का वहां पे लोग नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रेम यादव सत्य प्रकाश दुबे पे अपना दबिश बढ़ाना चाहते थे और दबिश बढ़ाने के लिए उन्होंने कई बार पहल भी किया और कई बातें हैं कि वह गुमराह करके बेमाना कर लिए, जमीन का जो बेमाना होता है वो बेमाना करके जमीन का एक तरीके से एग्रीमेंट करके, जमीन का एक तरीके से एग्रीमेंट करा के बाला फुसला के उनको बाहर भेज दिया कि आप बाहर चले जाइए, इसके बाद तीन दिन अपने यहां भी रखे। इस तरह की बातें भी खुल के सामने आ रही हैं, लेकिन सत्य प्रकाश दुबे का जो आवेदन न्यायालय और थाने रुद्रपुर थाने में देवरिया जिला में, अगर इसी तरीके से अन्य लोगों का भी आवेदन अगर थाने में और न्यायालय में है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो बाबा ये आपका बुलडोजर सिर्फ घटना को घट जाने के बाद काम करता है, तो ऐसा बुलडोजर किसी काम का नहीं, क्योंकि बुलडोजर सड़क बनाने अन्य निर्माण कार्य के लिए ज्यादा कारगर था, लेकिन आपने इस पे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आपने बुलडोजर को ज्यादा इस्तेमाल किया, बल्कि पुलिस से ज्यादा भरोसा आपको बुलडोजर पे हो गया, लेकिन आपका बुलडोजर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को नहीं बचा सका। और अब क्या बुलडोजर चलेगा और नहीं चलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, दो बेटी और एक बेटा और उनका 8 वर्ष का एक बच्चा जो अनमोल, जो अभी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है, आज उसके परिवार को कौन देखने वाला होगा? अखिलेश यादव, मायावती, अन्य राजनीतिक दल के जो लोग हैं सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करके इस मामले को रफा दफा कर देंगे, क्योंकि सबको पता है कि यह दुबे परिवार ब्राह्मण परिवार का है और आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की स्थिति किस तरीके से है। मामला खुशी दुबे का हो, विकास दुबे का हो, अब सत्य प्रकाश दुबे का यह मामला आ गया है और इसमें बुलडोजर का क्या खेल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रुद्रपुर थाना देवरिया जिला का न्यायालय अगर गंभीर होता तो शायद सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को बचा लिया गया होता और इस तरह का मामला ही नहीं आता। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी,
अपराध पर नियंत्रण का बुलडोजर का इस्तेमाल, न्यायालय का हस्तक्षेप न होना, थाने की लापरवाही के साथ काम करना, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और बिहार में वही माहौल बनने का स्थिति में है। क्योंकि इंडिया INDIA के गठन के बाद शायद लोगों को लगने लगा है कि अब बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हमारी ही पार्टी का दबदबा बढ़ जाएगा। और फिर से चूंकि उत्तर प्रदेश में यादवों की भी संख्या काफ़ी है और बिहार में भी यादवों की संख्या काफ़ी है, एक तरफ बिहार में गोपाल मंडल हाथ में हथियार लेकर चमका रहे हैं, लोगों को डरवा रहे हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश में प्रेम यादव जमीन कब्जा करने के लिए एक परिवार को नेस्तनाबूत कर देते हैं, पूरे परिवार को मार डालते हैं। और इस तरीके से बिहार में सुशासन की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन जो परिवार मर गया उनकी रक्षा कैसे होगी? अब तो रक्षा हो नहीं सकती। अब जो ये अनमोल है, नाम बेचारे का अनमोल है, पूरा परिवार का सत्यानाश हो गया। और बुलडोजर पर बुलडोजर की बात हो रही है कि बुलडोजर कब चलेगा। ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण संगठनों के लोगों ने भी आवाज़ लगाया है, सोशल मीडिया पे कई सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लापरवाह है, ये बात आपको स्वीकार करना होगा योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि आप बार बार सभाओं में पुलिस को फटकार लगाते हैं, कई बार आपने फटकार लगाया है, क्योंकि जिस तरीके से आप सक्रिय हैं और एक बेहतरीन छवि उत्तर प्रदेश की बनाने के लिए आप सतत प्रयत्नशील हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है और पुलिस के कारण आपको बार बार बुलडोजर चलाना पड़ता है। क्योंकि रुद्रपुर थाने ने अगर कार्रवाई कर दी होती तो शायद सतप्रकाश दुबे का पूरा परिवार आज जीवित होता और उत्तर प्रदेश में एक मामला होता। यह मामला 2014 का है, आपकी सरकार 2017 में बनी, फिर पुनः सरकार आपकी 2022 में बनी, लेकिन यह 3 साल पहले की सरकार में जिस तरीके का शासन था यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और इसी कारण से शायद 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया था और दोबारा आपको 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत से आपको उत्तर प्रदेश का शासन सौंपा है। लेकिन अपराधी अपराध करने से चूक नहीं रहे हैं, पुलिस की लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश में अपराध आज भी है और अपराध बढ़ता ही जा रहा है। जितना बुलडोजर बढ़ रहा है तेजी से अपराध पर नियंत्रण कसने के लिए, उतनी ही तेजी से अपराधी भी अपने गलत अंजाम, अपने खूनी खेल को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और इस तरीके से अगर खेल चलता रहेगा तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में फिर वही अपराध का शासन वाला दौर फिर से आ जाएगा। क्योंकि देवरिया नरसंहार अपने आप में यह एक कलंक है सरकार के लिए और देवरिया जिला प्रशासन के लिए। प्रेम यादव सतप्रकाश दुबे के घर पे अपने वाहन संख्या UP 52 BP 97 31 से आया था और दबाव बना रहा था ताकि वो जमीन प्रेम यादव को लिख दे। लेकिन इसी आपसी विवाद में वहीं पे प्रेम यादव की हत्या हो जाती है और इसी हत्या की सूचना पाकर प्रेम यादव का जो गैंग है या प्रेम यादव का जो कुनबा है वो पूरे लाव लश्कर के साथ आता है और सतप्रकाश दुबे के साथ उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां, एक बेटे को वहीं पे मार गिराता है और इस नरसंहार को अंजाम देता है। अब देखना है कि बाबा का बुलडोजर इन पर कब तक चलता है। आप देख रहे थे केवल सत न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।